असलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे घरों में और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बखूबी अंदाजा होगा कि हम लोगों ने जो सोशल स्टडी के आंसर किए आप लोगों के साथ शेयर किए वीडियो में, तो वीडियो 10 मिनट में मैनेज नहीं हो पाई है। तो उसमें से जो भी पोर्शन जो है वो हमारे पास रहता है, आज हम इस वीडियो में उसका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो कवर करेंगे, ताकि हमारा जो है वो इस सब्जेक्ट का हर सवाल का जवाब जो है वो कंप्लीट हो जाए और आप लोगों की आसानी के लिए ऐसा किया जाए ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लें। देखो ना, पूरी बुक है, पूरी बुक में से कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को बना के दिए गए हैं, वो भी एमसीक्यूज इंशाइया नहीं, कोई लॉन्ग सवाल नहीं लिखने आप लोगों ने, सिर्फ एमसीक्यूज आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने, वो भी एमसीक्यूज वो वाले जो आपको दिए गए हैं, इनके आंसर की भी दी गई, उन्हीं में से 25 आने, और ये आप लोग बाखूबी जानते हैं। आप लोग अब कोई इतने बच्चे नहीं है कि आप लोगों को हर चीज बताई जाए। तो आप लोग इस पर्चाजात को भी नहीं तैयार कर पाते ना, तो फिर कोई हाल नहीं है जो है वो स्टूडेंट का, क्योंकि पहले जो है वो COVID-19 की वजह से इतनी छुट्टियां हो चुकी हैं, तो स्टूडेंट का पढ़ने का दिल ही नहीं करता। तो अब हम हुकूमत ने स्कूल बेस असेसमेंट बना दिया है कि सिर्फ एमसीक्यू होगा और पूरी बुक का होगा। अब भी ये स्टूडेंट नहीं तैयार करते तो फिर ये इनकी गलत फहमी, तो लिहाजा खुदा रहा चीज से बचे और वीडियो को मुकम्मल तक देखें और तैयारी किया करें अपने जो है वो अपने पेपर के लिए, ताकि आपके उस्तादा कराम भी आपकी अच्छी कारकर्दगी से देखकर मुतासर हों और आपके वालदैन भी खुश हों और आप जो है वो दुनिया में भी और आखिरत में भी सफल हो सकें। तो चले जी, बहुत हो गई बातें, हम अपने जो इस वीडियो का नेक्स्ट पोर्शन रह गया था, 2-3 पेज जो रह गए थे, उनके आंसर की आज जो है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को टिल एंड तक देखना है। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। देखो ना स्टूडेंट, जब आप सब्सक्राइब या शेयर करते हैं ना तो हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता है और हमारा जी चाहता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लाते हैं। चलें जी, हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। ये हम लोगों ने आप लोगों के साथ पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाले क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं हो पाए थे वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि ज़रे मुबादला कमाने का अहम जरिया है बरामदा, ठीक है, वसाइल की किल्लत जब मुआशी तरक्की की राह में हाइल हो जाती है, मतलब रुकावट हो, तो हुकूमत नज़्म व निसाब चलाने के लिए हासिल करती है, बैरूनी करते, ठीक है, बाहर से कर ले लेती है। पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाता है बरामदात करके, कपास कॉटन जिसको कहते हैं, ठीक है, इससे कपड़ा बनता है, धागा बनता है और बहुत कुछ। पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाता है बरामदात करके, कपास, फौज, स्टेट बैंक और डाकखाना अहम हिस्सा है सरकारी खिदमत का, पब्लिक सर्विस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी अशिया से मुराद वो तमाम अशिया है ये इन पर कंट्रोल होता है हुकूमत का, गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात को कंट्रोल करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आगे है, हुकूमत पाकिस्तान को नए करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के तमाम बैंकों के ज़र का मुहाफिज कराता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी, क्योंकि बाकी हमने क्वेश्चन जो है पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जो है वो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, इससे आप लोग जो है वो उसकी पार्ट जो है वो ए जो है वो सोशल स्टडी का देख सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह।